بهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. तमाम किस्म की तारीफ़ात बढ़ाई किबरियाई हमदो सताइश उस अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने जिन्नात और इंसान को महज अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। चुनाचे जिन्नात और इंसान की तख्लीक का वाहिद मकसद यही है कि वो बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, उसी के आगे अपनी जबीन नियाज को झुकाया करें, उसी के आगे अपनी कमरों को रुकू की हालत में खम करें और उसी के आगे अपने दस्ते सवाल को फैलाया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद करें, उसी की तहलील की आवाज़ों को उजागर करें और उसी के तस्बीह के गीत गाया करें। चुनाचे इरशाद हुआ वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून कि हमने जिन्नात और इंसान को महज अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। हमद व सना के बाद अरब अरब अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस और मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इस्मे गिरामी मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। व ज़ात मुबारक मुक़द्दस और मुतहरा के रब कायनात ने जिन्हें रहमत कायनात बनाकर महफूज किया और जिनके जरिए से अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। सामेने किराम अज़ीज़ाने गिरामी मोहतरम भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों और प्रदानशील इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर बहुत सारे अंबिया और रसूलों को भेजा ताकि इंसानों को गुमराही और अंधेरे से निकाल करके नूर और हिदायत के रास्ते पर डाल सकें। जो कौम दुनिया के इंसान जो बुत परस्ती और कुफर में मुब्तला थे तो जहाँ जहाँ कुफर और शिर्क पनपते जाता तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम के अंदर और उस बस्ती के अंदर या उस मुल्क के अंदर उन कौम के अंदर अपने एक नबी या रसूल को अल्लाह तबारक व तआला भेजते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम अपने बंदों तक भेज पहुँचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ जो है कौमों के अंदर और मुख्तलिफ जो है ज़बानों में और मुख्तलिफ जो है इलाकों के अंदर मुख्तलिफ जो है रियासतों में मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ कबीलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अंबिया और रसूलों के सिलसिले को जारी कर दिया और आखिरी में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल बना करके भेज दिया और इस बयान का ऐलान कर दिया कि अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। जितने अंबिया पहले आए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शरीयत को महदूद किया, उनकी शरीयत को जो है महदूद करके भेजा कि ये इतने इलाके के अंदर या इतनी मुद्दत तक ये शरीयत चलेगी। जब दूसरा नबी आ जाता या दूसरा रसूल आ जाता तो जो है शरीयत को बदल देते अल्लाह तबारक व तआला, यानी मुख्तलिफ रसूलों की शरीयतें मुख्तलिफ थी लेकिन जो है वो कामिल शरीयत नहीं थी, मुकम्मल शरीयत नहीं थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंबिया नबियों का खातिमुल अंबिया बना करके भेजे और रसूलों के आखिरी रसूल नबियों के आखिरी नबी बना करके और नबूवत के सिलसिले को जब खत्म किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस शरीयत को मुकम्मल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस उम्मत के लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। और तमाम के तमाम अंबिया किराम का जो दावत थी वो एक ही दावत थी कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, ऐ लोगों जो बुत परस्ती में मुब्तला हो अल्लाह की तरफ आ जाओ, अकेले अल्लाह की इबादत करो, ये तमाम अंबिया और तमाम रसूलों की दावत थी। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इबुदुल्लाह वस्तनिबुत तागूत कि हमने हर उम्मत में रसूल भेजा, हर कौम में रसूल भेजा, हर बस्ती में हमने रसूल भेजा ताकि सिर्फ ये बात मैसेज अल्लाह का पहुंचाए कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अकेले की इबादत करनी है।
अकेले अल्लाह की इबादत करने की बात बोलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इतने नबियों को रसूलों को जो है भेजा। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों की मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो अपने अकीदे की हिफाजत करें। अपने अकीदे की हिफाजत करना ये हमारे लिए लाजिम है, क्योंकि शैतान हमारे अकीदे पे दागा डालने की कोशिश करता है, हमारे अकीदे को जो है बिगाड़ने की कोशिश करता है, हमें सीधे रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। ये इसकी दिन रात की मेहनत उसकी चल रही है, और जो है हमें अपने उस अपने अकीदे की जो है वो हिफाजत करना है। ये अकीदे की हिफाजत करोगे, कल कियामत के दिन नजात का जरिया जो है तुम्हारा अकीदा है, तुम्हारा अकीदा सही है तो कल कियामत के दिन तुम्हारी नजात होगी। अगर अकीदे में खोट है, अकीदे में बिगाड़ है, अकीदा तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, तुम्हारे अमाल को नहीं देखा जाएगा, तुम्हारी नमाज को नहीं देखा जाएगा, तुम्हारे जकात को नहीं देखा जाएगा, तुम्हारे रोजे को, तुम्हारे हज को नहीं देखा जाएगा। देखना जाएगा सबसे पहले कि तेरा अकीदा क्या था, तेरे अकीदे के अंदर खोट तो नहीं थी, तेरे अकीदे के अंदर बिगाड़ तो नहीं था, तेरा अकीदा जो है बिगड़ा हुआ तो नहीं था। अकीदे की इस्लाह करने की आज हमें जरूरत है, और फिर इस्लाह करके उस अकीदे की हमें हिफाजत भी करना है। और जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैही अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ नबी, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले जो भी रसूल भेजा उसकी तरफ यही वही नाज़िल की कि मेरे सिवा कोई माबूद बदक नहीं है, बस तुम सब मेरी ही इबादत करना, मेरी ही पैरवी करना, मेरी ही इबादत करना, मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करना है। और चूंकि अकीदा तौहीद जो है ये इस्लाम का असल रुकन रुकन है, और इस असल और असील ये अकीदा है इस्लाम का, दीन इस्लाम का असल जो है आपका अकीदा है, आपका अकीदे की हिफाजत आपको करनी है। इस्लाम में सबसे ज्यादा तौहीद अकीदे तौहीद की तरफ जो है जोर दिया, उसकी हिफाजत का जो है हुक्म दे रहा है, उसको इख्तियार करने का हुक्म दे रहा है। सबसे ज्यादा जो है अकीदे तौहीद की हिफाजत पर इस्लाम जो है वो जोर दिया, और मुसलमानों को इस बात की ताकीद की कि वो हर ऐसे कौल और अमल से परहेज करें जो उनके दीन और उनके ईमान में खलल डालने का बायस बने। यानी कोई ऐसा काम आपको नहीं करना है जिससे अल्लाह नाराज होते हैं, जिससे अल्लाह की नाफरमानी जो है होती है, तो अल्लाह की नाफरमानी से बचना ये जो है इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन तमाम अहकाम से जो है रोका, जिन तमाम अहकाम के करने का हुक्म दिया उनको बचा लाना, और जिनसे रोका अल्लाह तबारक व तआला उससे रुकना है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, वलकद बअथना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इबुदुल्लाह, कि हमने हर कौम के अंदर हर उम्मत के अंदर जो है हमने रसूल को भेजा, ये हुक्म देकर के भेजा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, अकेले अल्लाह की इबादत करना है और ताबूत की इबादत से बचना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, भाई ताबूत का माना क्या है? ताबूत का माना हर वो चीज ताबूत है, ताबूत यानी अल्लाह के अलावा तुम जिसकी भी इबादत दुनिया के अंदर करते हो, तुम जिसको भी अपना माबूद बना करके बैठे हो वो ताबूत कहलाता है। ताबूत का इनकार करना है, ताबूत की इबादत नहीं करना है। ताबूत के अंदर कौन आते हैं? ये शैतान ही अकेला ताबूत नहीं है, शैतान की अगर तुम पैरवी करोगे तो शैतान तुम्हारा ताबूत है। अल्लाह के खिलाफ जो है वो जो है भड़काता है, अल्लाह के अलावा उसको तुमने माबूद बनाया शैतान को। और नफ्स, अगर तुम अपने नफ्स की पैरवी करोगे, शैतान की पैरवी करोगे तो शैतान तुम्हारा ताबूत है। अपने नफ्स की पैरवी करोगे तो नफ्स तुम्हारा ताबूत है। अपने ख्वाहिशात की पैरवी करोगे, ये ख्वाहिशात तुम्हारा ताबूत है। तुम किसी वली की पैरवी करोगे, किसी बुजुर्ग की पैरवी करोगे, ये किसी जो है नबी की पैरवी करोगे तो ये बुजुर्ग ये वली तुम्हारे ताबूत है, वो नबू तुम्हारे नबी तुम्हारे ताबूत है। तुम किसी रसूल को जो है अपना जो है माबूद बना रखा है, तुमने फरिश्तों को माबूद बना रखा है तो ये फरिश्ता तुम्हारे लिए ताबूत है। तुम दरख्तों को, तुम झाड़ों को और जो है पत्थरों को और कब्रों को जो है तुमने माबूद बना लिया, ये तुम्हारे लिए ताबूत है। हर वो चीज ताबूत के जिम्मे में आती है जिसको जो है तुम अल्लाह के अलावा ये हमारा बेड़ा
पार कर सकते हैं। इस चीज से हमारी हत्या की, अगर तुमने इस तावीज को अपने गले में डाला, ये अकीदा रख कर कि ये तावीज मुझे शिफा देगी, ये तावीज मेरी मेरी जो है बीमारी को दूर करेगी, ये तावीज मेरे मसायल को हल करेगी, ये तावीज जो है ये पलीटे, ये तावीज जो है मेरे काम मेरा बेड़ा पार करा देंगे, बेड़ा पार नहीं तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा मुसलमान, ये तावीज भी तेरे लिए ताबूत है। ताबूत का इनकार करना है हर चीज। अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज से राजी और खुश होते हैं वो अल्लाह की इबादत है। तुम्हारे जिस काम से अल्लाह राजी और खुश होता है वो अल्लाह की इबादत कहलाएगी, और अल्लाह जिस चीज से नाराज होते हैं, जहां अल्लाह की नाफरमानी होती है, अल्लाह जिस चीज से जो है नाराज होते हैं, अल्लाह को गुस्सा आता है, वो चीज ताबूत होती है। समझना मिसाल के तौर पे मेरे भाइयों, सच बोलना अल्लाह की इबादत है कि नहीं है? सच बोलना क्या है? अल्लाह की इबादत है। क्यों? अल्लाह ने हुक्म दिया कि सच बोलो। وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, सच्ची बात करो। अब झूठ से अल्लाह रोका कि नहीं रोका? भाई झूठ नहीं रोका, झूठ नहीं बोलना है। इवन अगर आप झूठ भी बोलेंगे तो ये अल्लाह को तुम नाफ अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। तुम एक मरतबा झूठ बोलोगे, अल्लाह तबारक व तआला को एक मरतबा तुमने नाराज कर दिया, एक मरतबा नाराज कर। तो मेरे भाइयों, ताबूत की इबादत से जो है हम अपने आप को जो है बचाना है, और कामयाबी जो है, कामयाबी जो है, कामयाबी का मरकज तौहीद है, अकीदा तौहीद, अल्लाह को अकेला मान करके अकेले अल्लाह ही की इबादत करना, ये तौहीद है। अल्लाह के तमाम अहकाम की पाबंदी बजा आवरी, ये अल्लाह तबारक व तआला की जो है तौहीद है, उसकी वहदानियत का इकरार करके उसके साथ किसी को शरीक नहीं कराना। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है तौहीद को लाजिम करार दिया। तुम्हारी नजात के लिए जो है शर्त है कि तुम तौहीद के अलमबरदार बन करके तौहीद पर जिंदगी गुजार के तौहीद के अंदर जो है शिर्क की मिलावट नहीं करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ भी करेंगे। लेकिन शिर्क की जरा भी आमेजिश है, शिर्क की आमेजिश है तो फिर तुम्हारी नजात नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिर्क को हरगिज नहीं माफ करेंगे, उसके अलावा जो गुनाह है अल्लाह माफ करेंगे। अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, और अल्लाह चाहे तो सजा देकर एक दिन जन्नत में आपको भेजेगा, लेकिन शिर्क करते हुए बगैर तौबा के मर जाओगे मुसलमानों, सीधा जहन्नुम में जाओगे और कभी जहन्नुम से नहीं निकलोगे। शिर्क से बचना है, और शिर्क से बचना, शिर्क करना ही नहीं, और शिर्क की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों से भी बचना है। तमाम रास्तों पे अल्लाह तबारक व तआला ने कदरन लगा दिए, वहां पर हुदूद लगा दिए कि तुम्हें ये हुदूद इस रास्ते पे नहीं जाना है, ये रास्ता तुम्हें शिर्क की तरफ लेकर के जाता है, ये रास्ता तुम्हें शिर्क की तरफ से ले जाता है। इस्लाम ने जहां शिर्क में बुत परस्ती का किला उमा किया, और मुसलमानों को अकीदे तौहीद पर जो है मजबूती के साथ जो है जमे रहने की तलखीन इस्लाम देता है, अकीदे तौहीद पर जो है मजबूती के साथ जमो, उसमें जो है लड़खड़ाहट न आना अपने कदमों के अंदर, आप कदमों को जो है मजबूती के साथ जो है, मजबूती के साथ जो है इस तौहीद के ऊपर जो है खड़े होना है, उसके अंदर अपने पैरों में अपने कदमों में लड़खड़ाहट नहीं आना। शिर्क की तरफ जाने वाले तमाम चीजों से रोकता है। छोटी सी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहा या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाया? माशाअल्लाह वशीता, माशाअल्लाह वशीता, अल्लाह चाहे और आप चाहे। ये बात एक शख्स आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे, क्या बड़ी बात थी, आप चाहे, अल्लाह चाहे और आप चाहे। उसने क्या कहा? अल्लाह चाहे और आप चाहे तो, यानी जो भी कुछ हम बोलते ना अक्सर हमारे जबानों से, मेरी और आपके जबानों से बहुत निकलता, अल्लाह चाहे और आप चाहे, अगर आप नहीं होते तो फला काम नहीं बनता। नहीं, अल्लाह अकेला चाहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हालांकि जो है वो सहाबी ये इरादतन और जो है कसदन ये अल्फाज नहीं दोहराए कि वो शिर्क का जो है ये बात है, ये शिर्क की बात है, ये समझे नहीं उन्होंने, लेकिन जबान से यूं ही कलिमात को निकल गए, माशा अल्लाह हुआ शीता, कि अल्लाह ने चाहा और आपने चाहा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
वहीं पर ब्रेक डाल दिया, वहीं पर उनको मना कर दिया, वहीं पर रोक दिया कि तूने अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, क्या तूने अल्लाह का शरीक ठहरा दिया? नहीं, बल्कि ये कहो, ये नहीं कि अल्लाह ने चाहा और आपने चाहा, बस कहो माशा अल्लाह वहदा, कि अल्लाह अकेला, सिर्फ अल्लाह अकेला चाहे तो जो भी काम जो भी उमूर होते हैं वो अल्लाह की मंशा। और उस शख्स ने क्या कहा, इरादे को और मशियत को मंशा को जो है शामिल करके अल्लाह के नबी को अल्लाह का शरीक बना दिया था। छोटी सी बात थी लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं बैठे, मना कर दिए, रोक दिए कि नहीं इस तरह से। हदीस कुदसी में भी आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरे बाज बंदों ने हालत ईमान में जो है सुबह की और बाज बंदों ने हालत कुफर में सुबह की। एक मर्तबा रात में बारिश हुई, सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद सहाबा से फरमा रहे हैं कि जो है कल जो बारिश हुई थी उसकी वजह से कुछ लोग मोमिन हो गए और कुछ लोग जो है काफिर हो गए। एक छोटी सी बात है, कोई बड़ा नहीं जाकर के कब्र की पूजा उन्होंने नहीं की, कब्र के सामने जाके सजदा नहीं किया था, ये बुतों के सामने सजदा नहीं किया था, ये दरख्तों के पेड़ों के सामने सजदा नहीं किया था। क्या किया कि किसी ने कहा, अल्लाह के सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बारिश की वजह से लोग काफिर भी हो गए और मोमिन भी हो गए, ये कैसा हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये कहा कि ये बारिश अल्लाह की मर्जी से हुई है, अल्लाह की मंशा से हुई है, अल्लाह की चाहत से हुई है, तो उसने मेरे ऊपर ईमान लाया और जो है सितारों का इनकार कर दिया। और जिसने ये कहा कि फला सितारे की गर्दिश की वजह से ये बारिश हुई है, तो उसने सितारों के ऊपर ईमान लाया और मेरा इनकार कर दिया। इनकार करना क्या है? कुफर करना है। इनकार करना कुफर है। वो ईमान सितारों पे लाया और मेरा इनकार कर दिया, यानी अल्लाह का इनकार कर दिया। जो ये कहा कि अल्लाह ने अपनी मर्जी से बारिश बरसाई, उसने अल्लाह पर ईमान लाया, सितारों के साथ कुफर किया, सितारों का इनकार किया। छोटी सी बात थी, ये छोटी सी बात थी। यहाँ पर कुफर का मामला आ गया, ईमान और कुफर की बात आ गई। छोटी सी बात, भाई सितारे की वजह से बारिश हो गई। मेरे भाइयों, यही इसी तरह से हम अपने अकीदे की इस्लाह करना है और अपने अकीदे की हिफाजत करना है। ऐसे मौकों पर ऐसे कलिमात अपने जबान से नहीं निकालना मुसलमान हो। ताबूत से बचो, ताबूत की इबादत से बचो। ताबूत ये सूरज चांद सितारे जमीन ये सारे ताबूत के अंदर आते हैं, क्योंकि सूरज की पूजा करने वाले भी दुनिया के अंदर मौजूद है, चांद की पूजा करने वाले भी मौजूद है, सितारों पर ईमान लाने वाले भी मौजूद है, इस जमीन की इबादत करने वाले भी मौजूद है। जमीन को कहते हैं कि माँ है, ये हमारी माँ है, तो क्या बाप आसमान है? मेरे भाइयों, माँ तो तेरी माँ, जो तुझको जनी वो तेरी माँ है। ये जमीन कैसी माँ होती है? माँ वो होती है जिसके अंदर जान होती है। इंसान है, जिन्नात है, जानवर है, इनके अंदर माँ का तसव्वुर होता है। अरे ये जमीन, ये बेजान चीज, तुम उसको माँ कहते हो, किस तरह से माँ है? क्या तुम जमीन के अंदर से निकले हो या माँ के पेट से निकले हो? ये अकीदा नहीं। आज बहुत से आप कुछ मुसलमानों को भी देखेंगे, हाँ जी ये तो जमीन माता है, हमारा मादरी वतन, हमारा जो है ये पता नहीं, कुछ ऐसे अल्फाज जबान से निकाल देते। मेरे भाइयों, इसको हम और नहीं करते, ये छोटे छोटे फरोई मसाइल की तरह ये अकीदे के मामले को भी हम जो है इस तरह से जो है ईजी ले लेके जो है अल्फाज जबान से निकाल देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, एक कलिमा तुमको जहन्नुम में ले जा सकता है। एक कलिमा आदमी अपने जबान से निकालता है और वो जहन्नुम रसीद हो जाता है। एक ही बात जबान से ऐसी निकल गई कि अगर नेक अमल कितने भी कर लिया, अल्लाह को वो बात पसंद नहीं आई, उस एक कलमे की वजह से, उस एक सेंटेंस की वजह से, उस एक जुमले की वजह से, उस एक बात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा फैसला जहन्नुम में कर देगा और तुमको जहन्नुम में भेज देगा। इसीलिए मेरे भाइयों, अकीदे की हिफाजत करें। बात करते वक्त सोचिए, क्या है ये मुहर्रम के अंदर ये अलम, ये शब्दे, ये ताजिये जो उठा रहे हैं, उसके ऊपर भी मुसलमानों का क्या अकीदा है? वहां जाकर के मुसलमान नाच रहा है, गणपति के सामने नाच रहा है, वो दुर्गा देवी के सामने नाच रहा है, ये मुसलमान है, ये इस्लाम है। तू शिर्क किया, तुझे पता भी नहीं चलता, तू जो है इस्लाम से तू खारिज हो गया, तो इस्लाम से खारिज हो गया। वो ताजिया चलाते हैं, वो मुसलमान अपने आप को कहने वाले ताजिया उठाते हैं।
उसके ऊपर से इस तरह से वारते हैं, इस तरह से वारते हैं, कहते हैं ऐसा वारोगे बच्चा कभी बीमार नहीं होगा, बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। हाँ मुझे बताइए, सारी जिंदगी वो बीमार नहीं हुआ, तुम वार करके मुझे बताइए। तू इस्लाम से खारिज हो गया ऐसा अकीदा रख करके, समझ में, ऐसे छोटे छोटे चीजों से भी अपने आप को मुसलमानों बचाना है, ये जो है हम अपने अकीदे की जो है हिफाजत करना है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मुसलमान जो है अकीदे तौहीद की अहमियत को जो है फरामोश, नजरअंदाज कर देते हैं, छोटे छोटा मसला समझ करके उसको जो है नजरअंदाज कर देते हैं। कभी गया कभी झुक करके जरा खबर को जरा सलाम कर लिया, हाँ जरा झुक करके, जरा झुकने की भी इजाजत नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी के सामने जरा बराबर भी अपनी गर्दन को नहीं झुकाना है। मुसलमान मोमिन वो होता है, वो झुकाता है अपना सर, अपनी गर्दन झुकाता है तो अल्लाह के सामने झुकाता है, और कटाता है तो गर्दन को अल्लाह के वास्ते कटाता है। ये मोमिन की अकीदा ये है, झुकाने का नहीं है। कब्रिस्तान को जाओ, जियारत की इजाजत है अपनी मौत को याद करने के लिए, वहां कब्र वाले से कुछ जो है हासिल करने की नीयत से जाओगे तो यही शिर्क है। वो ताबूत है, वो कब्र तेरे लिए ताबूत है, वो कब्र के वाला तेरे लिए ताबूत है, तुझे उससे भी बचना है। अपने अकीदे की हिफाजत मुसलमानों करो। और देखिए छोटी छोटी चीजें, आजकल क्या है, कोई गैर मुस्लिम आपको जो है अगर जो है इस्तकबाल कर रहा है, आपका जो आपको वेलकम कर रहा है, तो वो अपने जो है मजहब के कलिमे के हिसाब से कहता है नमस्कार, नमस्कार कहता है, नमस्कार या नमस्ते कहता है। तो नमस्कार का माना क्या होता है, नमन और स्वीकार, ये दो लफ्जों से मुरक्कब ये जुमला है, ये लफ्ज है नमस्कार, उसका माना क्या होता है, मैं आपके सामने झुकता हूँ, आप तस्लीम कर लें, आप कबूल कर लें, मैं आपके सामने झुकता हूँ। इसको मालूम नहीं है, एक कलमा जबान से निकल दिया, शिर्क किया कलमा, अगर उसने नहीं समझा, तौबा नहीं करा, वो एक कलमा उसको जहन्नुम में ले जाने के लिए काफी है। नमस्कार, मैं तेरे सामने झुकता हूँ, तू कबूल कर ले। इसी तरह से मेरे भाइयों, मुसलमानों को वंदे मातरम कहने पे मजबूर किया जाता है, और जो है सूर्य नमस्कार करना, ये वंदे मातरम कहना, ये सूर्य नमस्कार कहना, और योगा, योगा एक जो है एक्सरसाइज के नाम से, ये योगा भी जो है मेरे भाइयों, ये जो है इस्लामी तरीका नहीं है, इसके अंदर भी शिर्क की आमेजिश है। योगा नहीं, इस एक्सरसाइज के दूसरे तरीके हैं, आप वर्जिश करना है कर सकते हैं, ये योगा नहीं। और इस फसल के दूसरे जो भी अमाल हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज होते हैं, वो जो है ऐसे कामों से अपने आप को बचाना है, अपने ईमान की हिफाजत करना है, अपने इस ईमान की हिफाजत करना है। ये मेरे भाइयों, ईमान बड़ी कीमती चीज होती है, ईमान बड़ी कीमती चीज होती है। जरी जरी बात पर पे जो है हम ऐसे कलिमात जबान से निकाल देते हैं कि आदमी जो है जहन्नुम का जो है हकदार बन जाता है, जहन्नुम का हकदार बन जाता है। मेरे भाई, अगर आप नहीं होते तो शायद मेरा काम नहीं बनता, आप नहीं होते तो आज मेरे को रोजगार नहीं लगता, नहीं आप नहीं, वो कुछ नहीं, रोजी अल्लाह देने वाले। ये एक कलमा कह के अल्लाह को तू नाराज कर दिया, तू शिर्क का चित क्या कलमा अपने जबान से निकाला, अगर तौबा के बगैर मर गया तो तेरे लिए ये एक कलमा काफी है, तू जहन्नुम में चले जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सारे मुख्तारे कुल अल्लाह की, ये अकीदा मेरे भाइयों रखना है। तो इस तरह के जो है जो भी अल्लाह तबारक व तआला जिन चीज़ों से, जिन आमाल से और जिन कलिमात से नाराज होते हैं, उनसे जो है अपने आप को बचाना, अपनी जो है अकीदे की हिफाजत करना। अपने अकीदा सही नहीं है, पहले उसकी इस्लाह करो, इस्लाह करने के बाद उसकी हिफाजत करो, नाप तोल के बाद करो, सोचो ये जब बात मैं अपना कलिमा जो जबान से निकालने जा रहा हूँ, ये कलिमा मुझे कहाँ ले जाएगा, जन्नत में ले जाएगा कि आया जहन्नुम में ले जाएगा, इस कलमे से अल्लाह मेरा खुश होगा, राजी होगा या अल्लाह नाराज होगा, ये अल्लाह की इस कलमे के जरिए से अल्लाह की फरमा बरदारी होगी या अल्लाह की नाफरमानी होगी, ये सोच करके जो है मेरे भाइयों हम मुसलमान हैं। ईमान ये मत देखिए क्या है भाई, इस्लाम है, हम जो है फकीरी है, हम गरीबी में है, देखो काफिर कितना ये है, काफिर मालदार है, काफिर को दौलत है, काफिर के पास बंगले हैं, काफिर के पास ये है नहीं। ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है,
काफिरों के लिए जन्नत है, अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। ये माल दौलत नहीं, अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, ये ईमान की दौलत, बगैर मांगे के ईमान की दौलत दी। तुम इस ईमान की हिफाजत कर लो, जन्नत में चले जाओगे। ये माल दौलत तुम्हारे तुम्हें जन्नत नहीं दिलाएगी, ये दुनिया की दौलत तुम्हें जन्नत नहीं दिलाएगी, ये ईमान की दौलत अल्लाह ने दिया है, उस ईमान की हिफाजत करो। सारी कायनात की दौलत ये एक ईमान के बदले में हम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। सारी दुनिया की दौलत किसी के पास है, आपके पास ईमान है, और ईमान खालिस है, ईमान पुख्ता है, ईमान मजबूत है, तो समझो ये सारी दुनिया की दौलत को आप ठोकर मारेंगे, आप ठोकर मारेंगे अगर आप ईमान को समझने की कोशिश करेंगे, ईमान की कीमत को समझने की कोशिश करेंगे, ईमान की अजमत को समझने की कोशिश करोगे, ईमान की जो है बड़ाई उसकी अजमत को अगर समझोगे तो दुनिया की दौलत आपके सामने हेज है। हाँ, मोमिन वो होता है दुनिया की दौलत सारी ला करके ढेर यहाँ पे लग दिया गया, और ईमान एक तरफ है, उसी ढेर को जो है वो मालो दौलत के ढेर पर ठोकर मारता है और ईमान की दौलत को ले लेता है। ये दौलत अल्लाह ने हमें बगैर मांगे के अल्लाह ने दिया है। तो आज हमें जरूरत है कि इस ईमान की हमें हिफाजत करनी है। दुनिया में मेरे भाई को जी लोगे, किसी भी तरह से आप दुनिया में जियोगे, वो काफिर भी जी रहा है, वो बेईमान भी जी रहा है। दुनिया के अंदर जीना बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ने भेजा है इस जमीन पे तुम्हें जीना है, जितने साल तुम्हें उम्र दी है तुम अल्लाह की फरमा बरदारी में गुजारो तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी, अल्लाह की नाफरमानी में गुजारो तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी। जिंदगी खत्म होने वाली है, जिंदगी हमेशा कोई लेकर के नहीं आया, हमेशा की जिंदगी किसी को नहीं मिली। अगर हमेशा की जिंदगी किसी को मिलना होती तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सबसे ज्यादा इस बात के हकदार है कि उनको हमेशा की जिंदगी मिलती। लेकिन मेरे भाइयों, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन, ऐ नबी तुम्हें भी मरना है, उन्हें भी मरना है, अल्लाह के नबी को भी मौत आई, दुनिया में रहना है। लेकिन अल्लाह भेजा किस लिए? वमा खलकुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अल्लाह अकेले की इबादत कर ले और जन्नत उसकी नेमत के तौर पे ले ले, इनाम के तौर पे जन्नत को ले लो, अकेले अल्लाह की इबादत कर लो, अकेले अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक मत ठहराओ। तो इस तरह से छोटे छोटे खुसूसन मेरे भाइयों, ईमान की हिफाजत और अकीदे की हिफाजत जो है, छोटे छोटे बातों से जो है हमारा ईमान बिगड़ सकता है, हमारा अकीदा बिगड़ सकता है। तो लिहाजा हमें, मुझे आपको चाहिए कि ये ईमान की हिफाजत करना है, अपने अकीदे की हिफाजत करना है। इसके अलावा मेरे भाइयों कोई और रास्ता नहीं है आपको निजात का। आखिरत के अंदर सारी दुनिया की दौलत आप देंगे, अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेंगे। ये काफिर जो है जाकर के दुनिया जमीन और आसमान के बराबर सोना फिदिये में देंगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। जमीन और आसमान के बराबर सोना फिदिये में देंगे, ये ले ले अल्लाह मुझे जन्नत दे ले, बोला नहीं, ईमान नहीं है, ईमान है तो बस है। तो ये ईमान की हिफाजत करो, एक ईमान अफरोज बयानों में अपने आप को बिठाने की कोशिश करो। हम पढ़ नहीं सकते, किताब खोल नहीं सकते, मौलवी साहब हमें पढ़ना नहीं आता है, हम क्या करेंगे, हम बात आपके सामने रख रहे हैं, कहा कि हमें नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम तो मालूम है सवाल बता रहा, तो मेरे भाइयों कम से कम बैठ कर सुनने की कोशिश करो। जन्नत और जहन्नुम का मामला है, हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए यहाँ पर मेरे भाइयों इस ईमान की अकीदे की जो है आप जो है हिफाजत कर लो, आपको जो है इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जो है जन्नत जैसी नेमत आपको इंशाल्लाह देंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको ये अकीदे तौहीद पर जो है हम जो हमेशा रहने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे, अल्लाह इस्लाम पे जिंदा रखना, जब मौत आए तो अल्लाह ईमान पे हमारा खातिमा फरमाना, अकीदे की हम इस्लाह करने की हमें तौफीक अता फरमा, और जो है हमें अपने अकीदे की जो है हिफाजत करने की हमें तौफीक अता फरमा, किताब व सुन्नत को लाजिम पकड़ने, उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अकुल कौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम, वस्तग़फिरूहु इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम।